गाइस वेलकम टू माय चैनल लेस्ट योर विद मिली। बहुत बहुत दिनों के बाद मैं आप सबको फिर से वेलकम कर रही हूँ मेरे इस चैनल में। और कैसे हैं आप सब? इतना दिन हो गया है तो मैंने सोचा एक ब्लॉग करती हूँ। अगर मेरे पास कोई कंटेंट नहीं रहता है ना तो मैं कुछ भी दिखाना पसंद नहीं करती हूँ। तो पहले तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मेरा घर, और देखिए घर का हालत क्या है, पहले वो दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। पूरा मेसी मेस है चारों तरफ। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ तो देखने लायक ही नहीं है कोई नहीं। मतलब जो भी आएंगे सब सोचेंगे कि घर कब से खाली मतलब पड़ा हुआ था, कोई आता नहीं था। को घर दिखाने के बाद ना मुझे ही शर्म आ रही है कि आप लोग सोच रहे होंगे मेरा घर को क्या हो गया है। एक्चुअली ना ऐसा घर तभी होता है अगर आप किसी ट्रिप से आए हो या जाने वाले हो। राइट, आपने ठीक ही गैस किया है कि हम कहीं जाने वाले हैं बहुत दिनों के बाद। शादी के बाद थोड़ा आसपास घूमना तो होता रहता है, पर हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस अभी बढ़ा रहे हैं। हम लोग जा रहे हैं कहीं, और हम लोगों के जो मतलब जेठ है, जेठानी है, उनके घर जा रहे हैं। वो भी एक्चुअली हम लोगों का ससुराल ही है, वहां पे मैं जा रही हूँ। और वहां पे ससुराल के साइड का सभी रिलेटिव वहां है, तो जैसे आप देख रहे हैं बहुत सारे ट्रॉली यहीं पे, तो भर भर के मुझे कपड़े ले जाना पड़ रहा है क्योंकि साड़ी वगैरह वहां पे तो चाहिए होगा। और मेरा जो मतलब जेठानी है उनका साइज और मेरा साइज में बहुत अंतर है। वो बहुत क्यूट सी है, छोटी मोटी, और मैं बहुत जैसा आपको बताया लार्ज साइज हूँ, तो उनका ब्लाउज तो मुझे आएगा नहीं। तो अपना मुझे सब कुछ ले जाना पड़ रहा है मीर का, और मैं मीर और मेरे हस्बैंड ही जा रहे हैं। फैमिली ट्रिप है ये, बहुत दिनों के बाद हम लोग तीन कहीं जा रहे हैं घूमने के लिए। मुझे एक्चुअली टेंशन है कि मीर को मैं संभाल पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, थोड़ा थोड़ा बातों में मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तो मीर को हैंडल करना मेरे लिए बहुत ही प्रॉब्लमेटिक होगा, पर उसका पापा जो है वो बहुत शांत है, हैंडल कर लेता है। और मुझे भी अभी थोड़ा थोड़ा मैं सीख गई हूँ, क्योंकि 3 साल हो गया है मीर को अभी, तो मुझे थोड़ा थोड़ा अभी हो गया है हैंडल करना, मुझे आ गया है। तो इतने दिन बाद जो मैं आप लोगों के साथ बात कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है बहुत मतलब टेंशन मतलब जो है वो हल्का हो गया है। तो अभी ये जो घर देख रहे हैं ये मैं अभी कुछ भी अकेले सेटिंग नहीं कर पाऊंगी। मेरे हस्बैंड आए, बाहर गए हो आए, फिर मैं सेटिंग करूंगी और दिखाऊंगी आपको। और बहुत सारा शॉपिंग मैंने किया है, तो थोड़ा बहुत मैं सोच रही थी दिखा ही दूं आपको। और मैं अभी ना थोड़ा छोटे छोटे ब्लॉग करने वाली हूँ, ज्यादा लंबा ब्लॉग मैं नहीं करूंगी क्योंकि अभी मुझे उतना टाइम भी नहीं मिलेगा। और मीर है, मीर के साथ घर संभालना, ब्लॉगिंग करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। तो चलिए फटाफट से दिखा देती हूँ मैंने क्या क्या छोटे छोटे चीजें मैंने खरीदा, मैंने आपको दिखाती हूँ। देखिए मेरा जो शॉपिंग है अभी सब पोटली पोटली में भरा पड़ा हुआ है, तो मैं क्या क्या खरीदी हूँ क्या क्या नहीं मैं दिखा देती हूँ। तो मैं ये एक पिंक कलर में है, बहुत पहले खरीदी थी, तो ये देखिए ऐसा है, तो मैंने ये खरीदा है। अभी मैं जैसे तैसे फेंक रही हूँ, बाद में आने के बाद पैकिंग करूंगी। और मैंने खरीदा है ये एक घर में पहनने के लिए, मैंने एक नाइटी खरीदा है, तो इसे ना आप लोग काफ्तान जो कहते हैं ना उस स्टाइल में है, ये काफ्तान है, तो मैंने ये खरीदा है। ये पहनने के बाद शायद अच्छा लगे, पर मैंने पहन के ट्राई किया था, मुझ पर अच्छा एकदम ही नहीं लगा, पर मैंने खरीद लिया। अभी क्या करें, मैं रिटर्न भी नहीं कर सकती। तो ये है एक घर में पहनने के लिए ये, और एक काफ्तान है, ये भी मैं घर में पहनने के लिए ही लेके जा रही हूँ। ये है मेरा दूसरा काफ्तान। ये सब मैंने छोटी छोटी चीजें जो है वो मैं दिखा रही हूँ आपको। और जैसे आप लोगों को पता है मैं बहुत ही वोल्यूम और मोटू हूँ, तो मेरे साइज का टॉप ना ऑनलाइन मिल जाता है, पर इतना फास्ट हम लोगों को जाने का प्लानिंग हुआ कि मैं ऑनलाइन कुछ खरीद नहीं पाई, तो सिंपल सा मैंने टॉप लिया है यहाँ से। और यहाँ पे ना 42 साइज का जो चीजें है वो मिलता नहीं है ज्यादा एक्सेल का, तो मैं ये यहाँ से मतलब जितना मतलब पसंद आया उतना मैंने लिया, जितना मतलब थोड़ा थोड़ा पसंद आया तो मैंने ले लिया, क्योंकि अभी नो ऑप्शन। तो कहीं पे जाने से ना पहना हुआ कपड़ा लेके जाने में और लगता है, क्योंकि रंग भी ज्यादा नहीं रहता, धुला हुआ कपड़ा रहता है। तो छोटा छोटा बजट में जितना आता है मैं उसे खरीद लेती हूँ। तो ये और एक है सेम मटेरियल्स और सेम डिजाइन का, बहुत ही सॉफ्ट है, अच्छा लगा मुझे, मैंने लिया है। और एक मिनट रुकिए, मैं कुर्ती भी दिखा देती हूँ आप लोगों को। तो
कुर्ती जो है वो बहुत ही प्रीटी है, मुझे बहुत पसंद आया है। तो चिकन करी का कुर्ती है, ये है कुर्ती। पहनने के बाद मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। हो सकता है कि कैमरा में उतना अच्छा ना लगे, पर वैसे बहुत ही अच्छा है क्योंकि मैं देख पा रही हूँ तो मुझे अच्छा लगा। ये और एक कुर्ती सेम कैनकरी वर्क में, ये भी मैंने लिया है और ये सबसे मेरा फेवरेट है, मतलब बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसलिए मैंने खरीदा इसे। ये मैंने ऑनलाइन खरीदा है, बहुत ही प्रिटी है तो मैं ये भी मैंने खरीदा। और मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया है, ये ज्यादा दिन हुआ भी नहीं तो ये एम्ब्रॉयडरी का कुर्ती है ये। तो ये है मेरा शॉपिंग और मीर के लिए बहुत सारा मैंने शॉपिंग किया है, मैं बाद में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और दो चीज़ें वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये दो मैंने लिया है मेरे जेठानी की बेटी के लिए, तो मैं उसे ना चिकली बुलाती हूँ, ये दो उसके लिए मैंने लिया है। और भी कुछ लेने का प्लानिंग था, ले भी सकते हैं पता नहीं, पर वो मैं आपसे बाद में शेयर करूँगी। और हाँ, और एक चीज़ मैंने लिया है वो है ये लिप कलर, बहुत ही पसंद आया मुझे, सामने से मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये लिप कलर मैंने लिया, तो चलिए जल्दी जल्दी मैं ये फोल्ड कर लेती हूँ और मैं मीर के पास जाती हूँ। मीर है मम्मी के घर पे, तो जाके मैं उनसे भी मिलवाती हूँ आपको, क्योंकि आप लोगों ने भी बहुत दिन हो गया मीर को नहीं मिले हो। अभी मैं ये अंदर रख देती हूँ और उसके बाद जाती हूँ मम्मी के घर, देखती हूँ कि मीर क्या कर रहा है मेरा बच्चा। तो एक्चुअली मैं बहुत देर बाहर थी, थोड़ा बहुत शॉपिंग करने गई थी और ये जो आप देख रहे हैं सिलवाने दिया था, थोड़ा लूज हो रहा था मेरा, तो इसलिए मैंने ये स्टिच करवाने के लिए दिया था। तो अभी चलिए मैं जाती हूँ, ये रख देती हूँ, उसके बाद मीर के पास जाने वाली हूँ अभी मैं, क्योंकि उसे मैं खिला के गई थी तो अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं, 7 बजे हैं तो 6 बजे के आसपास खिला के गई थी। तो अभी मैं जा रही हूँ घर पे। और मैं और एक बहुत क्यूटी सी चीज लिया है, मैं दिखा देती हूँ, ये मैं एक पर्स लिया है मैंने, जैसे आप लोगों को पता है मेरे हस्बैंड का बैग का दुकान है, तो ये क्यूटी सा बैग मैं वहाँ से उठा के लाई हूँ। तो ये सभी है, तो अभी मैं घर पे जाऊंगी और ये सब आने के बाद मैं थोड़ा कुछ खा लूँ, उसके बाद सब मैं आके ठीक करूँगी सब कुछ। इस शेप में एक्चुअली क्या है ना, पत्ता को भी बनाई थी मम्मी ने,
तो मैं पत्ता गोभी को इसके अंदर स्टफिंग बना के, तो ये पूरी के जिसमें मैंने तल लिया है वो थोड़ा सा आटा रह गया था सुबह का, तो ऐसा कर लिया है। अभी स्नैक्स खाने का मन हो रहा है और बाजार जाने के लिए भी कोई नहीं है अभी, तो मैंने क्या किया, तो अभी थोड़ा सा खा के देखते हैं। पूरी और सब्जी की तरह ही लगेंगे, समोसा की तरह तो लगेगा नहीं, फिर भी थोड़ा सा शेप दे दिया मन के तसल्ली के लिए। मूड में नहीं है, तो खैर उसका मूड ठीक हो जाए तब तक हम खा के देखते हैं। खाबे हाई करके आप लोगों को उसके दादा के साथ खेलने के लिए, एक्चुअली पापा को भी टाइम नहीं मिलता है ना, हम इवनिंग टाइम में ही मिलता है, तो बिजी है दोनों। अभी वो दौड़ के आ गया इस रूम पे, उसे कुट्टी मोना के साथ खेलना है, तो अभी खेल रहा है। पर मुझे ना बहुत डर लगता है कि कहीं बाय मिस्टेकली इसका हाथ और पैर ना लग जाए इसको, क्योंकि वो जब भी आता है बहुत एक्साइटेड हो जाता है। आप लोगों को बताना भूल गई थी बातों बातों में कि मैं त्रिपुरा जा रही हूँ, हम त्रिपुरा जा रहे हैं, वहाँ पे एक्चुअली शादी भी है और घूमने भी जा रहे हैं हम। मेरा देवर का शादी है, मेरे हस्बैंड का मामा का बेटा है वो, और शादी में भी बहुत एंजॉय करेंगे, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे जितना भी हो सकता है उतना, और ट्राई करूँगी अभी से मैं रेगुलर ब्लॉग दूँ। मेरा भी बड़ा हो रहा है ना, और वो बहुत ही दुष्ट हो रहा है, नॉटी हो रहा है, तो अभी उसके मतलब छोटा जब था तब इतना टाइम उसे मुझे देना नहीं पड़ता था, बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। और अभी पढ़ाई भी चालू हो गया उसका, स्कूल अप्रैल से स्टार्ट होगा, टाइम जो है उसके पीछे चला जाता है, तो अभी मुझे उतना टाइम नहीं मिलता है। पर मैं ट्राई करूँगी कि आप लोगों के लिए मैं रेगुलर ब्लॉग लाऊँ, और अभी ना मैं छोटा छोटा ब्लॉग ही डालूँगी, ज़्यादा लेंदी में नहीं करूँगी। तो प्लीज़ आप लोगों का सपोर्ट मुझ पर बनाए रखिए, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और तब तक के लिए आज का ब्लॉग मैं ही पेंट करती हूँ। आप लोग टेक केयर कीजिएगा और गुड नाइट, टाटा, वेरी सी यू।